सो बेसिकली मेरी फैमिली का प्लान बना के हम लोग वेकेशन पर चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं, और जाने से एक हफ्ते पहले मेरे अबू ने हमें लेक्चर देना शुरू कर दिया। बच्चों बात सुन लो मेरी, तुम लोगों को पता है हम लोग वेकेशन पर जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट अगले हफ्ते है। ये बात जो है ना, किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि हम लोग वेकेशन पर जा रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी बैड इवन आई आउटसाइड, नजर लग जाती है इन बातों पे। ये एक फैमिली में रहनी चाहिए बात। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि हम लोग जा रहे हैं वेकेशन पे। बच्चों आ गई समझ तुम दोनों को? मैंने कहा समझ आ गई है। अम्मी हम किसी को नहीं बताएंगे। और तुम कैटरीना कैफ की औलाद, आ गई समझ? किसी को नहीं बताना कि हम जा रहे हैं वेकेशन पे। वॉच योर एटीट्यूड, ये बात इस घर से नहीं निकलनी चाहिए। शांता तुम्हें पता है हम कहां जा रहे हैं? स्विट्जरलैंड। हाँ। अरे बिजनेस ट्रिप और क्या। शायदा एक्चुअली हैज अ वेरी बिग माउथ, मतलब वो हर बंदे को ना कुछ बता देती है उल्टा सीधा। अब हमारी फ्लाइट एक दिन में, और मेरे पेरेंट्स ने कहा चलो यार सूटकेस का वेट चेक कर लेते हैं। और वेट चेक करने का तरीका सबसे फनी होता है, क्योंकि देसी पेरेंट्स होते हैं वेइंग मशीन पे अपने आप को पहले वे करते हैं और फिर सूटकेस को वे करते हैं। ये कुछ मेरे साथ हुआ। हो गया हो गया, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। अरे जल्दी कर शायदा, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। अच्छा रुके मैं कैलकुलेटर तो निकाल लूं। जल्दी कर जल्दी जल्दी कर। आपका वेट था 93 kg। मॉम डैड व्हाट आर यू गाइस डूइंग, इट्स 2020। अब तो स्टोर में इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, एक मशीन मिलती है वो पूरा सूटकेस का वेट बता देती है। क्या मतलब मॉम डैड एवरी डे? ये सारा जो है वो गोरों के काम होते हैं, वो जो बाकी सारी टेक्नोलॉजी जो घर के अंदर लेके आते हैं, इतनी रेडिएशन होती है उन चीजों के अंदर। ये जो है वेट मशीन बेस्ट, नंबर वन बेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये चीजें हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। ये बच्चों ने हमें पता नहीं पागल समझा हुआ है कि क्या? मतलब हमें पता है टेक्नोलॉजी का, हमें सब पता है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट बिकॉज इट्स बैड फॉर रेडिएशन, बैड फॉर ईयर्स। सब पढ़ा हुआ है मैंने। ये मेरे किसी दूर के रिश्तेदार को पता चल गया कि हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान, हालांकि हम लोग पाकिस्तान जा भी नहीं रहे। वो आ गई अपना सामान छोड़ने के, ये आप जो है ना पाकिस्तान ले जाएं। बहुत मुझे ये रूड एक्ट लगी है, और प्लीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने सुना है कि तुम कनाडा से बाहर जा रही हो थोड़े दिनों के लिए, तो शायद मैं थोड़ा सा सामान लेके आई हूँ अपने साथ। ये सामान जो है ना तुमने पाकिस्तान पहुंचाना है प्लीज। अरे शकीला तुम्हें गलत फहमी हुई है, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, अल्बर्टा जा रहे हैं। अल्बर्टा? अरे चलो कोई नहीं, हवाई जहाज में तो जा रही हो ना, रास्ते में छोड़ देना पाकिस्तान। अच्छा ओके। हाँ ये जो है मेरी सास ने मंगवाया, ये पहुंचाना है वहां। ये प्लेटों का पूरा एक सेट है, वहां किचन में बिल्कुल बर्तन खत्म हो गए हैं। प्लीज ये शायद ये भी ले जाओ। कहाँ रहे? ये मासी ने मंगवाया, कह रही कि मुझसे झुका नहीं जाता, आप अच्छा वाला ब्रूम भेजें। ये मासी के लिए। ये जो है बच्चे बच्चे बजा देंगे गिटार, थोड़ा सा उनको बड़ा शौक है। मुझे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था इस औरत पे, दिल चाहता कि रख के लगाऊं, फिर मैंने फौरन कह दिया अरे शकीला बस इतना सही, बिल्कुल बिल्कुल मैं ले जाऊंगी आपके लिए, कोई टेंशन नहीं है, बहुत जगह पड़ी हुई है मेरे पास। मैंने भी जावेद को कहा कि थोड़ा और ले जाते हैं सामान, लेकिन जावेद ने कहा कि नहीं नहीं थोड़ा एहसास कर लो, कोई और जा रहा है उनका भी सामान होगा। तो मैंने कहा बस ठीक है, बस इतनी 2-3 आइटम ही ठीक है। अब इसी आंटी ने 10 और लोगों को बता दिया कि हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, हालांकि हम पाकिस्तान जा भी नहीं रहे। तो और 2-3 लोग आ गए अपना सामान छोड़ने के, ये भी पाकिस्तान आप पहुंचा दें। इसी तरह हमारे सूटकेस 2 से 10 हो गए। मैं शायदा हूं कि DHL सर्विस हूं। एयरपोर्ट पहुंचते हम लॉबी में बैठ के वेट कर रहे थे, और मेरे छोटे भाई को बहुत भूख लग रही थी, तो उसने किसी कोई एयरपोर्ट में कोई ठेला देख लिया, और मेरी अम्मी से जाके पूछता कि अम्मी मुझे ये चिप्स चाहिए, और मेरी अम्मी का रिएक्शन आप ही देखिए। मम्मी मम्मी मुझे बड़ी भूख लग रही है, कैन आई हैव चिप्स फ्रॉम द ठेला ओवर देयर? चिप्स? वो भी एयरपोर्ट से? दिमाग तुम्हारा सेट है, पता कितने महंगे होते हैं इधर। बट आई एम वेरी हंग्री। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, बैंकक्रप्ट करना है क्या हमारी फैमिली को तुमने? आई नेवर सेड टू गो बैंकक्रप्ट। कोई खाना नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठ जाओ इधर। क्या बच्चे समझते हैं हमारे पास बहुत पैसे हैं? हम पैसे क्या दरख्त पे उगते हैं? हमने क्यों लेंगे वहां से चिप्स जब हम घर से लेके आ सकते थे? घर पे क्यों नहीं बोला कि मुझे भूख लग रही है? बेटा आपको कैसा लगा था जब आपकी अम्मी ने आपको डांटा था एयरपोर्ट पे? जब हम लोग प्लेन में बैठे तो मेरे पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था जो बहुत ज्यादा रो रहा था, कि मेरा दिमाग खराब हो गया था यार। अरे बेटा बस कर दे मेरी जान,
बस कर दे रोना बंद, ये लो तेरा खिलौना, ये लो बेटा, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। अरे फिर से रोना शुरू। उसी तरह मेरे अब्बू का दिमाग खराब हो गया था मेरी अम्मी के साथ बैठ के, क्योंकि मेरी अम्मी इतना डरती हैं प्लेन से, वो पता नहीं कौन कौन सी दवाएं पड़ रही थी जो मेरे अब्बू को भी नहीं आती। ये क्या लगा दिया इन लोग ने, इनसे क्या आयतल कुर्सी लगाए। अरे बेगम, ये कनाडा का नेशनल एंथम है, गोरे क्यों लगाएंगे आयतल कुर्सी, पागल हो गई हो। क्या होगी, पागल होगी, कितना पढ़ोगी, जंग पे नहीं जा रहे हम लोग। अच्छा चले ये सारी बातें छोड़े, अब मैं आपको दिखाती हूँ मॉन्टाज हमारी ट्रिप का, गो करते हैं इसको। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के, आशिक गवारा हाय है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के, दिल सीधा साधा है मुश्किल इरादा है। शायदा बस कर, अरे बस कर दो, पानी में गिर जाओगी, उम्र नहीं है तुम्हारी इस तरह की हरकतें करने में। एक तो औरतें जो है ना व्हाट्सएप के लिए कुछ भी कर लेती हैं।